अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ सीख कबाब, चिकन सीख कबाब। और आइए देखें, ये मैंने एक प्याज ले लिया दरमियाने साइज़ का, इसको ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लेंगे। ये पिस गया है, इसको अब निकालते हैं। इसको हम निकाल लेंगे। और इसको अच्छी तरह हम इसका पानी निकालेंगे, क्योंकि कबाबों में पानी नहीं जाना चाहिए। प्याज जो है ना अपना पानी छोड़ते हैं। देखो थोड़ा बहुत निकल आएगा, इसको निकाल लेते हैं। निकल आया है, अब इसको हम दोबारा इसमें डालेंगे। अच्छा, अब इसमें मसाले भी डालते हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और 5-6 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्ची है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून ज़ीरा धनिया, एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून लाल मिर्च। ये मैंने बड़ा ब्लेंडर ले लिया, छोटा वो दूसरा छोटा पड़ रहा था। अब इसमें हम एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। और इसमें चिकन का कीमा ये हम डाल देंगे साथ ही। अब ये हो गया है, कीमा बन गया हमारा। कीमा तो था पहले, लेकिन इसको सीख कबाब के लिए थोड़ा और पीसना पड़ता है। तो ये हमारा तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं।
ये सीख कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है, कीमा हमारा। तो अब इसके हम सीख कबाब बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा, शुक्रिया। ये 1 किलो मैंने कीमा लिया था तो उसका मैं 1 किलो कीमे की आपको रेसिपी दे रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच डाला था नमक, 1.5 चम्मच डालना है, 1/2 चम्मच मैंने और डाला इसमें, ये परफेक्ट है। चलें कबाब बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ को ताकि कीमा चिपके नहीं। इसको अच्छी तरह दबा लें और फिर इसको कोई भी आप ले सकते हैं, पेंसिल ले लें या कोई सीख होगी सीख कबाब की उस पर आप ऐसे कबाब बना लें। तो बहुत ही इजी है। इस तरह भी कर सकते हैं और आप हाथ से भी बना सकते हैं, डंडी पे ना भी चढ़ाएं ऐसे आप कबाब बना सकते हैं। मुझे तो ऐसे इजी लगते हैं, ये देखें। माई यूट्यूब फैमिली, हमारे सीख कबाब तैयार हो गए हैं और इसे हम फ्राई भी करते हैं। आइए देखें, जैसे हमारे सीख कबाब तैयार हो रही। शैलो फ्राई करना है इसको। बहुत ही लजीज कबाब बनते हैं ये, मैं अक्सर बना के रखती हूँ घर में। अचानक कोई मेहमान आ जाए या कभी कुछ बच्चों को पसंद नहीं आता घर का पका हुआ तो वो ये खा सकते हैं। कभी तबीयत ख़राब होती है, नहीं बना सकते कुछ, तो बच्चों के लिए और एटलीस्ट बच्चों के लिए ये बने हुए हो तो आसानी हो जाती है। मेरे पास हमेशा ये बने रहते हैं कबाब, ये सीख कबाब और शामी कबाब। चिकन के जल्दी बन जाते हैं तो आप भी बना के रखें घर में। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा।
इसकी साइडें चेंज करते रहिएगा ताकि हर तरफ से ये पक जाए, पकते ना रहें। लीजिए, मज़ेदार कबाब तैयार है, सीख कबाब। आप इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, और या रूखे खाएं चटनी के साथ। अभी तो खैर बहुत गर्म है, तो बहुत मज़ेदार, परफेक्ट मसाला है। जितना मैंने आपको बताया उसी तरह आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।